उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड एवं गैंगस्टर खनन माफिया हाजी इकबाल गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी लेखपाल पद से रिटायर्ड है। हालांकि इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश डाल रही है। आपको बता दें, शनिवार सुबह थाना बेहट पुलिस ने एक सटीक सूचना पर जसमोर चौराहे से 5 अभियुक्तों को घेराबंदी कर दबोच लिया। यह 5 मोस्ट वांटेड एवं खनन माफिया हाजी इकबाल गैंग की सक्रिय सदस्य थे, जिनकी तलाश में महीनों से बेहट पुलिस दबिश डाल रही थी। एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि पकड़े गए 5 गैंगस्टर की पहचान सुरेंद्र, संजय, अब्दुल, अखलाक तथा बीरबल के रूप में हुई है। इनमें से बीरबल रिटायर्ड लेखपाल है। खनन माफिया हाजी इकबाल के गैंग में 14 सदस्य हैं, जो सभी ग्रोह बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने में जुटे हुए थे। इस ग्रोह के 4 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 5 आज सुबह गिरफ्तार किए गए पकड़े गए आरोपियों में एक लेखपाल रहा है, जिसने पूर्व में इकबाल के लिए गलत ढंग से जमीन आवंटित करवाई थी। देखिए, थाना बेहट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 457/22, जो कि अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत था। इस मुकदमे में करीब 14 अभियुक्त थे, जो सभी संगठित रूप से गैंग बना के इकबाल वाला के साथ अवैध लाभ अर्जित करते थे। इसमें ऑलरेडी 4 अभियुक्त जो हैं वो जेल में हैं और 5 अन्य अभियुक्त इसमें आज सुबह दिनांक 17/9/2022 को थाना बेहट द्वारा गिरफ्तारी इनकी की गई है और उन्हीं के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या कुछ आरोप इन पर लगे थे, क्या कुछ घटना अंजाम में मिली थी? देखिए, पूर्व में ये एक खनन माफिया के साथ मिलकर संगठित रूप से अवैध खनन और अवैध ज़मीन पे कब्जा करने का काम करते थे। इनमें से 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, एक व्यक्ति सरकारी लोक सेवक रहा है, लेखपाल की नौकरी की है इसने, और इसने उस समय गैंग के साथ मिलकर जो असंक्रमणीय भूमि होती थी उसको संक्रमणीय बनाकर फर्जी तरीके से दिखाकर और अवैध पट्टा किया था। जो 4 अन्य लोग हैं, इनके नाम पर अवैध पट्टा होता था और उससे गलत तरीके से माफिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। इस गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखाया गया है और आज इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इकबाल वाला भी सारे जी इस मुकदमे में इकबाल वाला भी मानचित है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।